अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में मैं आपको कारपेट कवर्स के बारे में बताऊंगी। मुझे यहाँ तुर्की आकर पता चला कि कारपेट्स के भी कवर्स होते हैं और मुझे इससे पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जैसे फिटेड शीट्स होती हैं उसी तरह से कारपेट्स के भी कवर्स होते हैं। उमूमन बच्चों वाले घरों के अंदर ये होता है कि खेल कूद के अंदर, बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर कारपेट गंदे हो जाते हैं, डिफरेंट धब्बे लग जाते हैं और हमसे भी बड़ों से भी कुछ ना कुछ कभी कभार गिर गिरा जाता है, तो कारपेट्स गंदे हो जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं और हर वक्त उनको धुलवाना और साफ़ करवाना पॉसिबल नहीं होता। तो कारपेट्स के कवर्स का जब मुझे पता चला तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैंने यही सोचा कि इनको लेना चाहिए। और फिर ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता कि कारपेट्स गंदे हैं और गेस्ट आ जाएँ तो भी अजीब सा लगता है कि गंदे कारपेट्स हैं। हर वक्त चादरें बिछा कर रखना भी पॉसिबल नहीं होता। चलने फिरने में, खेल कूद में बच्चे उछल कूद कर रहे हो तो उतर जाती हैं, तो उनको बार बार सही करते रहो। तो इसलिए जो है फाइनली एंड में यही डिसाइड किया कि इट्स बेटर कि कारपेट्स के कवर्स ही ले लिए जाए ताकि उतारना चढ़ाना भी आसान हो और कारपेट्स को धुलवाने के बाद कारपेट साफ भी रहें और रिप्रेजेंटेबल लुक भी आए, क्योंकि ये डिफरेंट डिजाइन के अंदर होते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि ये प्लेन भी होते हैं और डिफरेंट डिजाइन में भी होते हैं और आप अपनी पसंद से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके गेस्ट आ रहे हो तो आप इन कवर्स को उतार भी सकते हैं, आपके कारपेट साफ ही रहेंगे। आप ना भी हटाएं ना तो भी ये बड़ा अच्छा लुक देते हैं। और वीकली बेसिस पर आप इनको वॉशिंग मशीन में धो दें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। टर्की का ये है कि यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग होती है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए कारपेट्स का होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जब से हमने कारपेट्स लिए हैं तो हम साल में एक दफ़ा तो लाजमी उनको धुलवाते हैं। उसका भी ये तरीका होता है कि आप कारपेट्स को रोल करके रख देते हैं, जो कारपेट क्लीनर्स होते हैं आप उनसे बात करते हैं कॉल पर, वो फिर अवेलेबिलिटी बता देते हैं कि जैसे ईद के सीज़न में जो है बहुत ज़्यादा रश होता है तो वो उस टाइम पर बता देते हैं कि आपको एक महीने बाद मिलेगा। दूसरा ये कि अगर हम सर्दियों के अंदर दें तो कारपेट्स हमें देर से मिलते हैं और सर्दियों में ठंड भी ज़्यादा होती है, ज़मीन भी ठंडी होती है और ज़रूरत भी सर्दियों में ही ज़्यादा होती है। और अगर आप नॉर्मल समर के डेज़ में अपॉइंटमेंट लें उनसे तो फिर ये होता है कि वो 2 वीक्स के बाद आपको दे देते हैं, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम समर्स के अंदर धुलवा लें। तो फिर कारपेट क्लीनर्स उस डेट और टाइम पे घर पर आ जाते हैं हमारे और ले जाते हैं कारपेट्स को और फिर 2 वीक्स के बाद हमारे घर पर वापस डिलीवर कर देते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं उनको। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह धुलकर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नए हो। इसका बिफोर वर्जन तो आपने पहले देख ही लिया कि किस हाल में थे और अब थर्ड वन कर कर फिर कवर्स चढ़ाते हैं इस पर। कवर्स की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि उनको चढ़ाकर ऐसा लगता है कि आपने नया या दूसरा कारपेट रखा हुआ है, क्योंकि वो प्रिंटेड है, वो डिफरेंट डिज़ाइन का है और मटीरियल भी डिफरेंट है। तो कॉरिडोर के कारपेट पे कवर चढ़ा दिया है, इसका काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन है। मुझे एंट्रेंस के लिहाज से इसका कलर कॉन्ट्रास्ट और डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। एंटर होते ही अगर डार्क कलर की कोई चीज़ होना तो कॉरिडोर काफ़ी कंजस्टेड और नैरो लगने लगता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एंट्रेंस जो है वो खाली हो और ब्राइट और लाइट कलर्स हों उसमें। अच्छा, एक और बात ये कि जो लंबे कॉरिडोर रनर्स होते हैं उनके जो कवर्स हैं उनके पीछे जो है इलास्टिक दिया जाता है सपोर्ट और ग्रिप के लिए, कि जो है वो साइड से निकले नहीं उतरे नहीं, दोनों तरफ से नीचे आपको इलास्टिक्स मिलेंगे। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, मुझे ये जो लाइट ग्रे कारपेट कवर है ये तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा मटेरियल है इसका। और दूसरी बात ये कि इनको चढ़ाना और उतारना सबसे ज़्यादा आसान काम है मेरे लिए, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका, हर एरिया के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, आपकी मर्ज़ी आप जहाँ से भी बनवाना चाहें। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पेजेस हैं, आप वहाँ से भी देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। आप उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं और फिर वो आपको कैटलॉग भेज देते हैं और आप उसके अंदर से डिफरेंट डिज़ाइन जो भी आपको चाहिए होता है आप उसको सेलेक्ट कर उनको बता देते हैं। वो आपके कारपेट्स की मेजरमेंट्स पूछते हैं, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उनको बताते हैं और फिर उसके बाद वो आपको विद इन 2 वीक्स जो है बनाकर डिलीवर कर देते हैं। फिर अगर हम बात करें प्राइजेस की तो हमें तीनों कारपेट के कवर्स जो है वो 1200 लिरास के अंदर मिले थे और ये लास्ट ईयर के रेट्स हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कारपेट्स की अभी रिसेंट की पिक्चर है, 1 साल बाद की। 1 साल के बाद ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं इस कपड़े की क्वालिटी को चेक करना चाह रही थी, जो कि माशाल्लाह हर वीक वॉश होने के बाद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, प्रिंट भी नहीं उतरा इसका। महंगाई के साथ अब तो रेट्स चेंज हो चुके होंगे लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बच्चों वाले घरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है कि ये जब गंदा हो आप इसको उतारें, मशीन में वॉश करें और वापस बिछा दें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कारपेट कवर्स इन टर्की। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।